हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने सिलेबस की चौथी पोइम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो पोइम है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन किए जाते हैं स्टेंजा से और क्वेश्चन देख करके इस पोइम से ही किए जाते हैं। तो ये पोइम अपन माने तो ये मान सकते हैं कि इससे 4 मार्क्स का स्टेंजा भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस वे में ये जो पोइम है आज की वो 6 मार्क्स की हो सकती है, जबकि आपकी जो पोइम है जो 5 पोइम है वो मैंने पहले ही बताया था 10 मार्क्स की है, उनमें से ये जो पोइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और बड़ी भी ज़्यादा है। ये आज की जो पोइम है उसको अपन पढ़ेंगे, बड़ी पोइम है तो इसलिए ये जो पोइम है 3-4 पार्ट के अंदर आएगी और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो आज की जो अपनी पोइम है उसका नेम है द 7 एजेज ऑफ मैन। द 7 एजेज ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं। और ये जो पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा यानी कि एक पोइट जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, उसके द्वारा ये पोइम लिखी गई है द 7 एजेज ऑफ मैन। तो ये पोइम किसके बारे में है? इससे पहले अपन इस पोइम से रिलेटेड कुछ और बातें यानी कि अपन जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो पोइम है विलियम शेक्सपियर की, ये कहाँ से ली गई है? तो ये जो पोइम द 7 एजेज ऑफ मैन है ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, प्ले जिसका नेम है एज यू लाइक इट। एक नाटक है जिसका नाम क्या है? एज यू लाइक इट। और ये जो एज यू लाइक इट है इससे ही ये जो पार्ट है द 7 एजेज ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं, ये लिया गया है। मतलब ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, ये बहुत बड़ा प्ले है और उसी प्ले से एक पार्ट जो लिया गया है और वह पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। और उस पार्ट का नेम क्या है? द 7 एजेज ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं। और अब बात करें ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, इसके अंदर एक कैरेक्टर है, एक पात्र है जिसका नेम है जेकस। और जेकस क्या करता है? इन लाइंस को, इस पोइम को यानी कि पढ़ करके सुनाता है। तो अपन इस पोइम की यानी कि बात करें तो ये जो पोइम है वो क्या है? मोनोलॉग है। मोनोलॉग अब क्या होता है? सबसे पहले अपन बात करें, मोनोलॉग वह होता है जिसपे स्टेज पर बोलने वाला स्पीकर एक ही हो और जो लिसनर्स है सुनने वाले हैं वो बहुत ज्यादा। कहने का मतलब क्या है? मोनोलॉग उसको कहा जाता है कि कोई भी पोइम या सॉन्ग है वो एक आदमी के द्वारा यानी कि प्रेजेंट किया जाए। तो ये जो पोइम है इसमें यानी कि जो स्पीकर है वो कौन है? जेकस है। और ये जो जेकस है वो एज यू लाइक इट के अंदर एक कैरेक्टर है और वह क्या करता है? स्टेज के ऊपर इसको क्या करता है? इस पोइम को यानी कि बोलता है, गाता है, बताता है। तो मोनोलॉग को यानी समझ में आ गया होगा, मोनोलॉग यानी कि वह होता है जिसके अंदर क्या होता है? बोलने वाला एक ही होता है लेकिन सुनने वाले लिसनर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ये जो पोइम है वो क्या है? मोनोलॉग है, मतलब इसमें एक ही व्यक्ति बोलता है। नंबर 2 इसकी बात करें, ये जो पोइम है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। तो आयम्बिक पेंटामीटर जिसके अंदर मैंने बताया था कि 5-5 फुट होते हैं इसके अंदर, और इसके बारे में अपन ने थोड़ी सी चर्चा भी की थी द स्नेर पार्ट फर्स्ट के अंदर जो अपन ने पढ़ा था उसमें बताया था। तो ज्यादातर ये मानिए कि आयम्बिक पेंटामीटर जिसके अंदर यानी कि मैंने जो बताया था उसको, वो वीडियो आप वॉच कीजिए। तो आयम्बिक पेंटामीटर और वो जो स्नेर वाली थी वो आयम्बिक ट्रेटामीटर के अंदर यानी टेट्रामीटर के अंदर यानी कि लिखी हुई थी। तो ये मान के चलिए आयम्बिक पेंटामीटर वाली वो पोइम होती है जिसकी लाइन लगभग ज्यादातर क्या होती है? बड़ी लाइन होती है।
बड़ी लाइन होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर होती है, और उसके लिए यानी कि उसको पहचानने के लिए मैंने पहले बता भी दिया था। और जिसकी छोटी लाइन हो वो ज्यादातर क्या होती है आयम्बिक टेट्रामीटर के अंदर लिखी जाती है। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर का अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो पोइम है द सेवन एज्स ऑफ मैन, ये ब्लैंक वर्स के अंदर लिखी गई है, यानी कि ज्यादातर वह पोइम जो आयम्बिक पेंटामीटर में होगी वो लगभग ब्लैंक वर्स के अंदर लिखी होगी। तो ब्लैंक वर्स का भी अपन द स्नेर पार्ट फर्स्ट के अंदर इसका डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैंक वर्स वो होता है जिसके यानी कि राइम स्कीम नहीं बनती है, अनराइम स्कीम वाली हो। तो वो टेट्रामीटर के अंदर थी स्नेर वाली, तो उसके अंदर राइम बन रही थी, और ब्लैंक वर्स वो जिसके अंदर राइम नहीं बन रही है, तो ये भी अपन ने चर्चा की थी। तो इसके यानी कि विशेष ध्यान रखना है ये मोनोलॉग है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति यानी कि बोल रहा है। स्पोकन किसके द्वारा? जेकस के द्वारा। और कहां से ली गई है? एज यू लाइक इट के द्वारा। एज यू लाइक इट जो प्ले है शेक्सपियर का सबसे यानी कि फेमस जो प्ले है उनमें से ये लिया गया है। आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है, ब्लैंक वर्स के अंदर यानी कि ये लिखी गई है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें, इसके अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच का खास तौर से प्रयोग हुआ है। एक पहला जो है वो है मेटाफर, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, जो अपन पहले बता चुके हैं। मेटाफर का मतलब होता है रूपक या लक्षण अलंकार, लक्षण अलंकार। तो इसके अंदर क्या है, सात आठ लाइन ऐसी है इस पोइम के अंदर जिसमें मेटाफर का यूज हुआ है, और ज्यादातर ये स्टेंजा देकर के यानी कि पूछा जा सकता है। कोई स्टेंजा दे दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि यानी कि वह लाइन यानी कि लिखिए जिसके अंदर मेटाफर का यूज हुआ है, लक्षण अलंकार का यूज हुआ है। तो लक्षण अलंकार सीधा सा यही है जिसके अंदर उसके लक्षण बताए जाए, जिसके अंदर क्या बताए जाए, लक्षण बताए जाए। कहने का मतलब क्या है, रियलिटी में वो वैसा नहीं है लेकिन उसके लक्षण उन जैसा है। जैसे ये बोलते हैं कि लाइफ इज ए जर्नी, लाइफ इज ए जर्नी, जीवन क्या है, एक यात्रा है। तो देखिए जीवन क्या है, वो यात्रा नहीं है लेकिन उसके लक्षण है वो जर्नी जैसे है, जीवन है वो चलता रहता है। जैसे ये है सीता तो निरीगाय है, सीता तो निरीगाय है, तो यहाँ पे सीता निरीगाय है तो सीता का मतलब ये नहीं है कि वो COW है। यहाँ पे सीता निरीगाय है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सीता के जो लक्षण है वो किस जैसे हैं, गाय जैसे है। और गाय के लक्षण कैसे होते हैं, कहने का मतलब स्वभाव में वो सरल होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर खूब सारी यानी कि जो लाइने हैं, या लाल बहादुर शास्त्री पंजाब के शेर थे, तो लाल बहादुर शास्त्री पंजाब के शेर थे। यहाँ पे ये नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री पंजाब के LION लोयन थे, यहाँ पे लोयन से नहीं है, यहाँ शेर का मतलब क्या है, दबंग। कहने का मतलब क्या है, लाल बहादुर शास्त्री ऐसी लाइनों के अंदर किन का प्रयोग होगा, ऐसी लाइनों के अंदर मेटाफर का प्रयोग होगा। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखे। अगला जो इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वह है सिमिली। सिमिली जिसका अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो पहली जो पोइम थी द नोबेल नेचर, उसके अंदर उपमा अलंकार जिसमें समानता बताई जाए। और इसका खास मैंने यही बताया था, सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है कौन सा होगा, इसकी खास विशेषता क्या होगी, जिसके अंदर लाइक दिया हो और क्या दिया हो, एज दिया हो। जिस सेंटेंस में लाइक या एज दिया हो उसके अंदर क्या होगा, सिमिली अलंकार। तो ये क्या है, ये अपने इस पोइम के अंदर अपन पढ़ेंगे, तो इसका विशेष रूप से यानी कि ध्यान रखिए। तो ये तो सेवन एज ऑफ मैन था जिसके अंदर यानी कि विशेष तौर से इन चीजों का यूज है। अब ये जो पोइम है वो किसके बारे में है, वो अपन अब इसके अंदर एक पढ़ेंगे। तो जो सेवन एजेस ऑफ मैन है, यानी कि दिखने से मतलब ये है कि आदमी की सात अवस्थाएं। तो इसके अंदर विलियम शेक्सपियर है वो क्या बताता है कि ह्यूमन लाइफ को सात भागों के अंदर कैटेगराइज किया है, या अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के अनुसार ह्यूमन लाइफ है कैन बी डिवाइडेड, डिवाइड किया जा सकता है इनटू सेवन एजेस, सात अवस्था के अंदर या सात पार्ट्स के अंदर।
कहने का मतलब क्या, और साथ ही में यह बताया गया है कि ह्यूमन है वो क्या करता है, और इस दुनिया को विलियम शेक्सपियर ने पहली लाइन के अंदर यानी मेटाफर का यूज करते हुए क्या बताया है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज है। कहने का मतलब क्या है, पूरी वर्ल्ड का कंपेयर है वो किससे कर दिया, स्टेज ऑफ सिनेमा, सिनेमा के स्टेज से कर दिया। अब देखिए स्टेज ऑफ सिनेमा है, इसके अंदर मेटाफर का यूज हुआ है, मेटाफर का यूज इसलिए हुआ है कि पूरी दुनिया है उसको सिनेमा रूपी मन से यानी उसका कंपेयर कर दिया। अब देखिए दिखने में कहीं पर भी दुनिया में स्टेज नहीं लगा हुआ, लेकिन उसके करेक्टर देखे, उसका लक्षण देखे तो सेम वैसा ही है जैसा। कहने का मतलब क्या है, दुनिया रूपी स्टेज से यानी कि इसको यानी कि पूरी दुनिया को यानी कि सॉरी कि ऑल द वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है उसके यानी कि किससे यानी कि कंपेयर किया है, किससे यानी कि तुलना की है, यानी सिनेमा रूपी मंच से। सिनेमा रूपी मंच पे क्या होता है, एक्टर्स और एक्ट्रेस आते हैं और वे क्या करते हैं, अपने अलग अलग रोल निभाते हैं, और अपने अलग अलग रोल निभा करके वो अपने घर चले जाते हैं, स्टेज को छोड़ जाते हैं। सेम उसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, यानी उन एक्टर्स और एक्ट्रेस की तरह इस विश्व रूपी स्टेज पे जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के तरह तरह की रोल निभाते हैं, और वे रोल निभा करके वो भी उन एक्टर्स की तरह उस वर्ल्डली स्टेज को क्या करते हैं, विश्व रूपी स्टेज को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि ये दुनिया क्या है, एक रंगमंच है, रंगमंच एक स्टेज है जहां पे एक्टर्स और एक्ट्रेस आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। सेम इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स है वो भी क्या करते हैं, इस दुनिया रूपी मंच पे आते हैं, जन्म लेते हैं, और उन एक्टर्स और एक्ट्रेस की तरह क्या करते हैं, अपना रोल निभाते हैं, और वे दुनिया को यानी छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो इस पोइम के अंदर यानी ये बताया गया है। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि एक तो वर्ल्ड है वो क्या है, स्टेज है, और यहाँ पे जिस तरह से एक्टर्स और एक्ट्रेस क्या करते हैं, सिनेमा रूपी मंच पर आकर के अलग अलग रोल निभाते हैं, वैसे ही ह्यूमन जो बीइंग है वो क्या करता है, इस धरती पे जन्म लेकर के तरह तरह के रोल निभाते हैं। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर है वो ह्यूमन लाइफ को 7 भागों के अंदर क्या करता है, 7 पार्ट्स के अंदर यानी कि डिवाइड करता है। तो 7 पार्ट क्या है, कहने का मतलब वो जो 7 पार्ट जो निभाता है, उन 7 पार्ट निभाने के बाद ये जो मैन और वुमेन है वो भी क्या करता है, वो भी एक्टर्स और एक्ट्रेस की तरह स्टेज को छोड़ जाते हैं। तो वो कौन कौन से यानी 7 पार्ट्स है, कौन कौन सी 7 अवस्थाएं हैं, वो अपन यानी कि पढ़ेंगे, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, क्लास में भी बता चुका हूँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनकी हर लाइन को अपन को विशेष रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहली जो लाइन है इसकी, तो इसको अपन पढ़ेंगे, ऑल द वर्ल्ड से स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ये पहली लाइन है इसकी, कि पूरी जो दुनिया है वो क्या है, एक स्टेज है। अब प्रश्न ये निकलता है, एक तो ये निकल गया कि इसके अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, इसके अंदर कौन से का हुआ है, मेटाफर का हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहला ही पहला स्टंजा देकर के अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जरूर पूछा जाएगा। और अब की बार के लिए ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे यानी कि क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाई इज द वर्ल्ड कंपेयर्ड, वर्ल्ड है वो क्यों, उसकी कंपेयर क्यों की गई है, किससे, टू ए स्टेज ऑफ सिनेमा, स्टेज ऑफ सिनेमा से, बाय द पोइट, पोइट के द्वारा। मतलब ये है कि वर्ल्ड की तुलना स्टेज ऑफ सिनेमा से क्यों की गई है, सिनेमा रूपी मंच से क्यों की गई है, बाय द पोइट, पोइट के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन क्या लिखेंगे कि द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड, कि वर्ल्ड है, दुनिया है, इज कंपेयर्ड, इसकी तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, टू ए स्टेज ऑफ सिनेमा, एक सिनेमा रूपी मंच से तुलना की गई है। वह जहां पे क्या होता है, सिनेमा रूपी मंच पे क्या होता है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेस क्या होते हैं, अपीयर प्रकट होते हैं, और क्या करते हैं, प्ले देयर डिफरेंट रोल्स, अपने अलग अलग रोल निभाते हैं, और क्या करते हैं, आफ्टर दैट इसके बाद दे क्विट द स्टेज, वे स्टेज को क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं।
मतलब क्या है, अपन लिखेंगे कि द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड, वर्ल्ड का तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है, टू द स्टेज ऑफ सिनेमा, सिनेमा रूपी मंच से, वेयर जहां पे क्या होता है, एक्टर्स और एक्ट्रेस है वो अपीयर, प्रकट होते हैं और प्ले दे डिफरेंट रोल्स, अपने अलग अलग रोल निभाते हैं, और रोल निभाने के बाद क्या करते हैं, वो स्टेज पे बैठे तो रहते नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, स्टेज पर रोल निभाने के बाद वो क्विट द स्टेज, स्टेज को छोड़ जाते हैं, मतलब स्टेज छोड़ करके अपने और कामों में यानी लग जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। सेम वे, सेम इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, टेक बर्थ इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जन्म लेते हैं, और वर्ल्ड में जन्म लेकर के प्ले देयर डिफरेंट रोल्स, वे भी क्या करते हैं, अपने अलग अलग रोल निभाते हैं, लाइक किसकी तरह, एक्टर्स एंड एक्ट्रेस की तरह, और जैसे कि अपने यानी रोल निभा लेते हैं तो वे भी क्या कर देते हैं, दे क्विट द स्टेज ऑफ वर्ल्ड, वे वर्ल्ड रूपी स्टेज को छोड़ जाते हैं फॉरएवर, हमेशा के लिए। मतलब क्या है, आदमी अब क्या करता है, आदमी इसमें अपन ने पढ़ा था कि ह्यूमन लाइफ है उसको 7 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो वो 7 भाग कौन से हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट चर्चा करता है वो इन्फेंट का, ये अपन एक एक करके पढ़ेंगे, और दूसरा है वो है स्कूल गोइंग बॉय का, स्कूल गोइंग बॉय, तीसरा है लवर, चौथा है सोल्जर, पांचवा है जज, और जो छठा है वह है पेंटालून, और जो सातवां है वह है ओल्ड मैन का। तो कहने का मतलब क्या है कि आदमी जन्म लेकर के ये 7 तरह की भूमिका निभाता है, और जैसे ये 7 तरह की भूमिका यानी कि वो निभा देता है तो वो भी एक्टर्स और एक्ट्रेस की तरह वर्ल्ड रूपी स्टेज को हमेशा के लिए छोड़ जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो पहला पर्सन तो ये आएगा कि व्हाई इज द वर्ल्ड कंपेयर्ड टू स्टेज ऑफ सिनेमा बाई द पोइट, तो अपन क्या लिखेंगे, द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड, वर्ल्ड की तुलना की गई है टू ए स्टेज ऑफ सिनेमा, सिनेमा रूपी मंच पे, वेयर जहां पे एक्टर्स और एक्ट्रेस क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं, प्ले दे डिफरेंट रोल्स, अलग अलग भूमिका निभाते हैं अपनी, और उसके बाद देन वो क्या करते हैं, क्विट द स्टेज, स्टेज को छोड़ जाते हैं। इन द सेम मैनर, सेम तरीके से ह्यूमन बींग्स है यानी कि हम मेन और वुमेन है वो क्या करते हैं, टेक बर्थ, जन्म लेते हैं इन द वर्ल्ड यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर, और हम भी क्या करते हैं, प्ले और डिफरेंट रोल्स, हमारे अलग अलग यानी रोल निभाते हैं, जैसे इन्फेंट का, स्कूल गोइंग बॉय का, लवर, सोल्जर, जज, पेंटालून और ये ओल्ड मैन का, और उसके बाद फाइनली हम भी क्या कर जाते हैं, स्टेज को क्विट कर जाते हैं, वो हम कैसे करते हैं, फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एक क्वेश्चन ये निकलता है कि हाउ मेनी पार्ट्स डज ए मैन प्ले, हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट है वो आदमी प्ले करता है अपने जीवन काल में। तो मेन क्या करता है, मेन प्ले 7 पार्ट्स, आदमी 7 तरह की यानी कि भूमिका निभाता है अपने जीवन काल में। नेम देम, उनका नेम लिखिए, तो अपन इन 7ों का क्या कर देंगे, नेम लिख देंगे। तो 2 क्वेश्चन अपना हो गया है, एक ये कि इसमें कौन से यानी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो ये सबको यानी कि समझ में आ गया होगा पहली लाइन। अब दूसरी जो लाइन है, इससे भी यानी कि कहने का मतलब, ये ऐसी पोइम में हर लाइन से क्वेश्चन निकल रहा है, पहले लाइन से क्वेश्चन निकला वो किया, दूसरी लाइन है एंड ऑल द मेन, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेस, मेयरली प्लेस। अब अगली दूसरी लाइन देखिए, और अगली लाइन में भी क्या बता रहा है कि वो सारे मेन और वुमेन है वो मेरली, मेरली का मतलब ओनली, एकमात्र क्या है, प्लेयर्स है। प्लेयर का मतलब क्या होता है, खिलाड़ी, लेकिन यहां खिलाड़ी का मतलब अपन क्या लेंगे, एक्टर्स लेंगे। कहने का मतलब यहां पे क्या बताया गया है कि इस विश्व रूपी पूरा वर्ल्ड क्या एक स्टेज है, और इस वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी मेन और वुमेन है, महिला और पुरुष है, उन सबको क्या बता दिया, प्लेयर्स बता दिया। तो इस लाइन में भी देखिए कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, इस लाइन में भी मेटाफर का यूज हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें सारे मेन और वुमेन को एक्ट्रेस और एक्ट्रेस बता दिया, दिखने में है नहीं एक्ट्रेस और एक्ट्रेस। कहने का मतलब हम कोई सलमान खान या कैटरीना कैफ नहीं है,
अगर है, कहने का मतलब क्या है, हम वो नहीं है लेकिन हमारे जो लक्षण है वो किस जैसे हैं उन एक्टर्स और एक्ट्रेस की तरह है जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सारे मेन और वुमेन क्या है, वो प्लेयर्स है, मेरे लिए एकमात्र प्लेयर्स है, अभिनेता और अभिनेत्री है। मतलब हम है नहीं एक्टर्स और एक्ट्रेस लेकिन हमारे जो करेक्टर्स, हमारा जो लक्षण है वो किन जैसा है, उन एक्टर्स और एक्ट्रेस के जैसे है। वो एक्टर्स और एक्ट्रेस जो कि सिनेमा रूपी मंच पे क्या करते हैं, अपनी एक्टिंग करते हैं, वो सिनेमा रूपी मंच पे एक्टिंग करते हैं। और हम कहाँ करते हैं, हम इस विश्व रूपी मंच के ऊपर क्या करते हैं, अपने रोल निभाते हैं, सात रोल निभाते हैं जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। तो ये जो दूसरी लाइन है इसके अंदर भी पोइट ने किसका यूज किया है, मेटाफर का यूज किया है। इसका क्वेश्चन ये भी निकलेगा कि व्हाट डज शेक्सपियर कॉल, शेक्सपियर क्या कहकर के पुकारता है द मैन एंड वुमेन को इन द वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड के अंदर। तो शेक्सपियर मैन और वुमेन को इस वर्ल्ड में क्या कहकर के पुकारता है, एक्टर्स कहकर के पुकारता है, प्लेयर्स कहकर के पुकारता है। तो क्या लिखेंगे, शेक्सपियर कॉल, शेक्सपियर यानी कि पुकारता है मैन और वुमेन को, क्या कहकर पुकारता है, एक्टर्स यानी कि एक्टर्स यानी कहकर के पुकारता है इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के अंदर। क्वेश्चन ये भी निकल सकता है व्हाई इज द मैन एंड वुमेन कंपेयर्ड, व्हाई इज द मैन एंड वुमेन कंपेयर्ड टू किस से, प्लेयर से, कि मैन और वुमेन की तुलना है वो प्लेयर से क्यों की गई है, एक्टर्स और एक्ट्रेस से क्यों की गई है। तो सेम इसका आंसर जो ऊपर वाली लाइन का किया था सेम वो ही लिख देंगे। जिस तरह से एक्टर्स और एक्ट्रेस क्या करते हैं, सिनेमा रूपी मंच पे अपीयर होते हैं और इनेक्ट देयर रोल्स, अपने रोल निभाते हैं, उसी प्रकार से मैन और वुमेन है वो वर्ल्डली स्टेज के ऊपर क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, वो भी अपने रोल निभाते हैं। तो इस तरह से इसके तीन क्वेश्चन बन गए। तो अगली जो लाइन है इसे आज अपन चार ही लाइन पढ़ेंगे, दो लाइन अपन पढ़ चुके हैं। अगली लाइन है दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। अब देखिए अगली लाइन क्या बताएगी, यह कि दे हैव देयर एग्जिट्स, किनके एग्जिट भी होता है और उनका क्या होता है, एंट्रेंस भी होता है। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलने का मार्ग, और एंट्रेंस का मतलब क्या है, अंदर आने का मार्ग। आप गए होंगे सिनेमा हॉल के अंदर, यानी कि कभी फिल्म देखने के लिए गए होंगे, आपने नोट किया होगा उसके अंदर दो वे होते हैं, दो मार्ग होते हैं। एक तो एंट्रेंस वाला होता है जिससे अपन टिकट लेकर के उससे क्या करते हैं, उस वे से सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं फिल्म को वॉच करने के लिए, और एक वे और होता है वो का उस वे का अपन यूज कब करते हैं, जब अपन फिल्म पूरी देख लेते हैं तो उस एग्जिट वाले मार्ग से अपन क्या करते हैं, निकलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से सिनेमा रूपी मंच के क्या होता है, एग्जिट होता है और एंट्रेंस होता है, उसी प्रकार से इस वर्ल्डली स्टेज के विश्व रूपी मंच के भी क्या है, एग्जिट और एंट्रेंस दोनों है। तो वहां पे तो क्या होता है, सिनेमा रूपी मंच पे एग्जिट होता है कि एक्टर्स एक्ट्रेस आते हैं, अपना रोल निभाते हैं और वह रोल निभा करके एग्जिट कर जाते हैं, मतलब बाहर चले जाते हैं, और एंट्रेंस मतलब एंट्री मारना, उसमें प्रवेश कर जाता। लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है, पर्सन इंपोर्टेंट पूछा जाएगा कि यहां पे एग्जिट और एंट्रेंस का वर्ल्डली स्टेज के ऊपर यानी कि क्या मतलब है। तो यहां पे एग्जिट का मतलब क्या होता है, विश्व रूपी स्टेज पे डाई, मर जाना, और एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, टेक बर्थ, जन्म लेना। कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से सिनेमा रूपी मंच के एग्जिट और एंट्रेंस है, उसी प्रकार से वर्ल्डली स्टेज के भी क्या है, एग्जिट और एंट्रेंस दोनों है। मतलब क्या है, अपन एंट्रेंस इस दुनिया रूपी मंच पे एंट्री कैसे मारते हैं, अपन टेक बर्थ, जन्म लेकर के। तो यहां पे आप एंट्रेंस का मतलब क्या लिखोगे, जन्म लेना, और कहने का मतलब क्या है, एक्टर्स और एक्ट्रेस यानी सिनेमा रूपी मंच पे एंट्री मारते हैं रोल निभाने के लिए, और हम इस दुनिया रूपी मंच पर अपना रोल निभाने के लिए अपन एंट्री कैसे मारते हैं, टेक बर्थ, जन्म लेकर के। अपन क्या करते हैं, बाय टेकिंग बर्थ, जन्म लेकर के इस दुनिया रूपी मंच पे अपन एंट्री मारते हैं। तो यहां एंट्रेंस का मतलब विश्व रूपी मंच से क्या है, टेक बर्थ, जन्म लेना,
और एग्जिट का मतलब क्या है? सिनेमा रूपी मंच पे शूटिंग करने के बाद क्विट कर जाते हैं स्टेज को, लेकिन यहां पे एग्जिट का मतलब क्या है कि हम सात रोल जैसे निभा लेते हैं तो हम इस वर्ल्ड स्टेज को भी हमेशा के लिए क्विट कर जाते हैं। मतलब हम किसको प्राप्त कर जाते हैं? मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, हम मर जाते हैं। तो इस तरह से इसका एग्जिट और एंट्रेंस का दोनों का मीनिंग ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसका भी ध्यान रखना। और अगला देखिए, एंड वन मैन इन हिज लाइफ टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। अगली लाइन है कि एंड वन मैन, और एक आदमी इन हिज लाइफ टाइम अपने जीवन काल में प्लेज मेनी पार्ट्स, अनेक रोल निभाता है। इसका भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई डज अ मैन प्ले मेनी पार्ट्स इन हिज लाइफ टाइम, कि एक आदमी है वो अपने जीवन काल में अनेक रोल क्यों निभाता है। यानी व्हाई डज अ मैन, एक आदमी प्ले मेनी पार्ट्स, अनेक रोल क्यों निभाता है अपने जीवन काल में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो अपन देखिए लिखेंगे ए मैन इज फेटेड या ए मैन हैज फेटेड। एक आदमी की फेटेड होती है, फेट का मतलब नियति, भाग्य में लिखा होना, कि ए मैन हैज फेटेड, कि एक आदमी की क्या होती है? नियति होती है, भाग्य में लिखा होता है। टू प्ले मेनी पार्ट्स इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में अनेक रोल निभाने का क्या होता है, यानी कि उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। जब आदमी जन्म लेता है उसी समय गॉड क्या करता है, उसके भाग्य में लिख देता है कि आपको दुनिया में जाकर के, वर्ल्ड रूपी स्टेज पे जाकर के आपको अनेक रोल निभाना है। और वह क्या होता है? तो अपन लिखेंगे मैन हैज फेटेड या मैन इज फेटेड, एक आदमी की नियति होती है टू प्ले मेनी पार्ट्स, अनेक रोल निभाने की इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में। और एज ही ग्रोज, और जैसे ही आदमी ग्रो करता है, बढ़ता जाता है, एज ही ग्रोज, जैसे ही आदमी बढ़ता है, उम्र में बढ़ता है, हिज रोल्स, उसके जो रोल है वो क्या हो जाते हैं? चेंज, बदल जाते हैं। और आल्सो उसका करेक्टर आल्सो चेंज, और उसका करेक्टर चरित्र है वो भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली, उस एज के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है कि आदमी जैसे जैसे, यानी कि ये नियति होती है और कि वह अनेक रोल निभाए, और जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है, बढ़ता जाता है, उसका रोल भी चेंज हो जाता है और करेक्टर भी उसके यानी कि एज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो अपन ने ये क्वेश्चन किया। अब अगली जो लास्ट लाइन है वो ये है, हिज एक्स बीइंग सेवन एज, हिज एक्स बीइंग सेवन एज, एजेज सेवन एजेज, कि आदमी जो एक्ट करता है वो सात भागों में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, ह्यूमन लाइफ है वो कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवन स्टेजेस, सात अवस्था में। नेम देम, उनके नाम लिखिए। तो मैं सात स्टेजेस आपको बता चुका हूं, उनका आपको नाम लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से चार लाइन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे निकल रहे हैं, कम से कम सात आठ क्वेश्चन यानी कि चार लाइन के निकल चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, लास्ट तक वीडियो को वॉच करें। और अगले जो पोइम है बड़े हैं तो तीन चार पार्ट के अंदर बनेगी, तो उसको भी लास्ट तक पढ़े, क्योंकि ये जो पोइम है वो 6 मार्क्स की आने की संभावना है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।